हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो भाई, जैसे कि हमारी जो वीडियो चल रही थी माइक्रो इकोनॉमिक्स के, आप लोगों की डिमांड के बेस पे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि हमने जो हमारा चैप्टर थर्ड था हमने कंप्लीट कर लिया था, और फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम चैप्टर क्या फोर की स्टार्टिंग करेंगे। तो फोर की जो स्टार्टिंग थी हमने उसमें मतलब फर्स्ट पार्ट आ गया, तो काफ़ी छोटी वीडियो थी, मतलब 2 से 4 मिनट की वीडियो थी। तो उसमें हमने क्या होता है स्पेशली 2 जो कंसेप्ट होते हैं क्लियर किए थे कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो क्या होता है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है, ठीक है। तो वो सारे टॉपिक हमने कवर किए थे। तो देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के लिए यार कि आप लोगों ने देखो क्या होता है डिस्क्रिप्शन, हमने क्या होता है यूनिक ऐसे चैनल नाम का व्हाट्सअप चैनल है, तो आप लोगों को लिंक वहां पर दे रखा, आप लोग वहां से भी क्यों है ज्वाइन हो जाए, ठीक है। और बात आती है, अगर आपको वीडियो थोड़े बहुत आपको अच्छी लगती है तो वीडियो अगर लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को आप लोग क्या करें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ पर क्या करिए सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखो आज की जो हमारी वीडियो होने लगे यार, ये टॉपिक क्या रहेगा, ये फिक्स है कि इससे क्वेश्चन आपका बनेगा, पेपर में छपेगा, कह रहा हूँ इससे क्वेश्चन आपका बनेगा, पेपर में छपेगा, क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो हमारा पार्ट टू होता था, हमें क्या टॉपिक्स को इसमें कवर करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कि जो आईसी कर्व होता है, जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसकी क्या क्या खास बातें होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो हमारे इसमें 4 पॉइंट होते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से फुल डिटेल के साथ होता है। और यार अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में, आप लोग वहाँ पर वहाँ पर क्या करिए आप लोग उसको मेंशन करते चले कि हाँ सर ये डाउट हो रही है, टॉपिक पर नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए भी आपको पर्टिकुलर वहाँ पर क्या सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि इंडिफरेंस कर्व आर नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो आईसी कर्व बनाया जाता है ना, वो हमेशा क्या होता है उसका जो स्लोप्ड होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिवली होता है। नेगेटिवली मतलब क्या होता है कि ऊपर से क्या होता है नीचे आना, क्या ना ऊपर से नीचे आना। कहोगे सर नहीं हमें बिल्कुल डायग्राम के थ्रू समझाइए, कोई दिक्कत नहीं यार, बट देखो मेरा काम क्या होता है समझाना, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ अगर आपके हर जो भी इकोनॉमिक्स के पॉइंट होते हैं, जो भी चैप्टर होते हैं ना, एक एक पॉइंट को आपके जहन के अंदर उतार देना, ठीक है, इस तरह से बात हो। क्योंकि देखो ये चीज़ होती है ना, इकोनॉमिक्स होता है अपने आप में इसके अलग लैंग्वेज होती है, ठीक है, और बच्चों को बहुत ज़्यादा थोड़ा समझने में इसमें क्या डिफिकल्ट होती है। तो मेरा मेन काम क्या होता है, मेरा जो पर्पज़ होता है कि आप लोगों सारे के सारे जितने भी पॉइंट होते हैं इको से रिलेटेड, वो सारे के सारे पॉइंट को मतलब एक बहुत अच्छे एक मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ आपके अंदर मतलब उस पॉइंट को उतारना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखे गए नेगेटिवली स्लोप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्या होता है कि आईसी कर्व बनाया, ठीक है, मान लो ये आईसी कर्व हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको जैसे मान लो आईसी 1 हो गया और ये मान लो हमने क्या आईसी 2 दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखो क्या कह रहा है कि जो आईसी कर्व, जैसे मान लो ये हमारा होता है वाई गुड हो गया, क्या हो गया मतलब गुड्स एक्स हो गए, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ठीक, अगर हम इसको कंजप्शन बढ़ाएंगे एक वस्तु का, मतलब एक ऑब्जेक्ट का जो कंजप्शन है उसको बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली कि हमारे दूसरे को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो स्लोप मतलब जो स्लोप आ रहा है यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर इस साइड से मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहा है क्या यहाँ पर, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर नेगेटिवली, क्या कहते हैं नेगेटिवली स्लोप, ठीक है। अब आती बात सवाल आती है यहाँ पर कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक काम करता है। तो इसके पीछे देखो लॉजिक हमारा क्या काम कर रहा है, कह रहा है कि इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ वन गुड्स, सिंपल अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर हम एक गुड्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, सेम यूनिट ऑफ अदर गुड, जितनी मतलब इंक्रीज करेंगे उसी इतनी मतलब उसी तरह से क्या होता है कि अदर गुड्स हैज टू बी सेक्रीफाइज टू रिमेन द सेम सेटिस्फेक्शन लेवल, ठीक है। मतलब कहने का सीधा से क्या भाई कि देखो अगर आप एक ऑब्जेक्ट की जो मतलब क्वांटिटी होती है, एक ऑब्जेक्ट की जो क्या होती है यहाँ पर क्वांटिटी होती है मतलब गुड्स की, तो अगर आप उसको इंक्रीज करना चाहते हो तो डेफिनेटली क्या होता है कि आपको जो दूसरी ऑब्जेक्ट होगी उसकी क्वांटिटी को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसी से क्या होता है आपका जो सेम सेटिस्फेक्शन लेवल बनेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है। दूसरा पॉइंट देखिए आपको क्या कह रहा है यहाँ पर, आईसी कर्व कह रहा है कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व जो होता है, इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। अब यहाँ पर जो बात आती है, मैंने आपको जो पीपीसी पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो वहाँ पर मैंने आपको क्या लिखा था, कॉनकेव लिखवाया था, वहाँ पर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये बच्चों में कभी कभी ना इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, तो वहाँ पर भी बच्चे क्या होता है इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं कि जो पीपीसी की बातें होती है उसके अंदर ये मतलब कॉन्वेक्स डाल देते हैं, और जो आईसी की बातें पढ़ते हैं, जब इंडिफरेंस कर्व की बातें पढ़ते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं वहाँ पर क्या होता है वो दूसरी वाली
वाली बातें मतलब कॉन्वे जो आपको कहा था कॉनकेव वाली बातें यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। तो बस यार थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना कि जो कॉनकेव होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो ओरिजिन पॉइंट होता है उस ओरिजिन पॉइंट से क्या होना दूर हटना, क्या कह रहा हूँ, ओरिजिन पॉइंट से क्या होता है वहाँ पर दूर हटना, ठीक है। और दूसरा फिर कहता है यहाँ पर कि जो कॉन्वेक्स होता है इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि जो कर्व बनेगा वो कर्व क्या होगा इस तरह का रिप्रेजेंट दिखाएगा कि वहाँ पर वो ओरिजिन पॉइंट के क्या हो रहा है उसके करीब आ रहा है उसके नज़दीक आ रहा है, ठीक है। आपको अगर नहीं सर हमें एग्जाम्पल करके दिखाइए, तो अगर हम इसमें दोनों में कंपेरिजन करते हैं, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो यहाँ पर तो जैसे मान लेते मैंने आपको पढ़ाया था पीपीसी, अगर पीपीसी को देखेंगे तो हमने पीपीसी में ऐसा दिखा था, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर कॉनकेव होता था, क्या होता था वहाँ कॉनकेव होता था, ये जो कर्व बन रहा है और ये जो ऑर्बिट ओरिजिन पॉइंट है तो देखो इससे क्या होता है दूर भाग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरी बात करते हैं यहाँ पर देखिए, अगर हम आईसी पे बात करते हैं तो कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स का मतलब देखो आईसी ऐसे बनता है ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो कर्व आपका बन रहा है यहाँ पर देखो ये जो कर्व बन रहा है तो ये कर्व क्या हो रहा है कि हमारा जो ओरिजिन पॉइंट होता है यहाँ पर इस ओरिजिन पॉइंट के काफ़ी क्या हो रहा है नियर में आ रहा है, क्या रहा है काफ़ी इसके करीब आ रहा है, ठीक है। तो ये दूसरी पॉइंट होता है। अभी देखो ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे का जो हमारे पास रीजन देखो कह रहे ड्यू टू द डिक्रीजेस मार्जिनल कह रहे MRS, ठीक है। MRS का मतलब क्या होता है फुल फॉर्म आप लोग कमेंट जिसको पता आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए, बाकी मैं आपको बता दूँ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कह रहे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो अब ये क्या होता है डिक्रीज होगा ड्यू टू द ठीक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ आपको मैंने बता रखा था कि सिंपल बात है भाई, अगर आपके पास कोई भी यूनिट है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप उसकी यूनिट को कंज्यूम करते हो कंटिन्यूसली करते हो तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा वो लगातार क्या होगा आपका डिक्रीज होगा, ठीक है, लगातार क्या होगा आपको यहाँ पर डिक्रीज होगा। तो ये हमारे क्या दो पॉइंट होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट हमारा देखो कह रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व नेवर टच और द इंटरसेक्ट ईच अदर, कि जो आईसी कर्व होता है ना वो कभी भी भाई क्या होता है कि एक दूसरे को टच नहीं करता है और प्लस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। मतलब कभी कभी बच्चों से ऐसे मतलब भारी मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में कि आईसी कर्व बनाते हैं मान लो ऐसा करके बनाना होता है, ठीक है, उन्हें ऐसा बनाना, लेकिन वो क्या होता है बाय मिस्टेक आपको ये ऐसे इस तरह से कर देते हैं, क्या होता है इस तरह से। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो अब जिस बच्चे ने ऐसे बनाया वहीं पर क्या होता है उस बच्चे का क्या होता है चार नंबर कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आईसी कर्व क्या होता है कभी भी क्या होता है कि यहाँ पर एक दूसरे को टच नहीं करेंगे और प्लस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कहोगे सर ऐसा क्यों होता है, तो हमारे पास उसके भी रीज़न यहाँ पर है। कह रहे कि ईच इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि जितने भी यहाँ पर आपका 2, 4, 10 जितने भी आईसी कर्व बना लीजिएगा तो हर एक आईसी कर्व क्या होता है वो सेटिस्फेक्शन के डिफरेंस लेवल को क्या करता है यहाँ पर शो करता है, ठीक। एंड इंटरसेक्शन पॉइंट शोज सेम सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और ये जो पॉइंट्स होते हैं जैसे IC1 हो गया IC2, 3 वगैरह, ठीक है, तो ये हमेशा क्या करते हैं आपको शो करेंगे सेम सेटिस्फेक्शन ऑफ कह रहे यहाँ पर सेम सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है, कि मतलब संतुष्टि का जो आपका सामान स्तर होता है उसको करते हैं यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। तो ये देखो आपको हेडिंग बनाते आपको एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर चलना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा। और लास्ट पॉइंट हमारे यहाँ पर कह रहे हैं कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बना दिया IC1 हो गया, ठीक है, ये IC1 हो गया, ये IC2 हो गया, ये IC3 हो गया, क्लियर है, आप IC1 ऊपर लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं हमारा कि हायर कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर हायर कौन सा IC बताओ, कहोगे सर हायर कौन सा मतलब इंडिफरेंस कर्व कौन सा IC3, ठीक है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि हायर IC रिप्रेजेंट हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, के जो सबसे ऊपर जो हायर मतलब आईसी कर्व होगा वो क्या करेगा वो हाई लेवल सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करेगा। क्यों करेगा, ड्यू टू द मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब देखो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, तो जैसे आप लोगों ने कभी इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदने आता, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका उस ऑब्जेक्ट के प्रति आपका जो प्रेफरेंस होता है काफ़ी अच्छा होता है, तो आप क्या करते हो उस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूम करते हो। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि आप उसके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करते हो, ठीक है। तो सेम यहाँ पर उसी को हम कहते हैं यहाँ पर मोनोटोनिक, ठीक है, प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो IC3 होता है उसके ऊपर क्या होता है कंज्यूमर के द्वारा क्या होता है जो दोनों गुड्स होती है उसके ऊपर ज़्यादा ज़्यादा क्या होता है वहाँ पर क्या होता है एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि मतलब प्रेफरेंस हायर IC शोज द बंडल्स हैविंग मोर ऑफ वन कॉमोडिटी एंड नॉट लेस ऑफ अदर्स गुड्स, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ द लोअर मतलब लोअर आईसी। मतलब कहने का आता है कि जो भी यहाँ पर लेवल होता है उसके कंपैरिजन मतलब आईसी क्या होता है मतलब 3 कंज्यूमर के द्वारा इस लेवल इस पे मतलब IC3 पर क्या होता है बाकी के जो कंपैरिजन में क्या होता है कि जो वहाँ पर उसका एक्सपेंडिचर होता है जो भी खर्चा होता है क्या होता है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है।
क्लियर। तो ये आपका क्या होता है भाई, यहाँ पर हमारे क्या होता है चैप्टर फोर के जो हमारे सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। और यार देखो आप लोग एक चीज़ बार बार मिस कर जाते हो, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी आप देखो पढ़ाने का मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, बाकी वीडियो को लाइक करना शेयर करना, ठीक है, ये सारी चीज़ आप लोग संभाल लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बस वीडियो क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट आपको बिल्कुल उसमें रोकना नहीं है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।